नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत ही अच्छी कलाकार जो उभर के आपके सामने आ रही थी, उनको इन लोगों ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के जाने का निर्णय ले चुकी हैं। पर आज के बाद मैं कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी, किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहती मैं। कल्याणी सिंह को हमने पहली बार इतना गौर से देखा और उनके बात करने का तरीका, उनके अंदर का कैरेक्टर, ये सब उनको बनाता है गोल्ड। कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। यू विल नेवर बी एबल टू सी एनी टैलेंटेड गर्ल इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर दिस सिनेरियो। इन फ्यूचर इफ यू सी एनी न्यू गर्ल इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, इट माइट बी पॉसिबल सी इज कैरेक्टरलेस और सी इज एबल टू स्लीप विथ एनी वन। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार के फैंस इस लेवल के नीच और कुत्ते हैं ना कि उनको किसी भी लड़की को गाली देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जिनको दिक्कत नहीं होता है ना, वो वही लोग होते हैं जिनको अपनी माँ बहन को गाली सुनवाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अगर उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकालने की कोशिश कीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि इनकी माँ का तो अलग कैरेक्टर है, बहन अलग चार गोरा से। और तब आएंगे कॉमेंट में ज्ञान चूदने कि तुम ये हो तो तुम ये हो, तो तुम उसको गाली देते हो, उसको गाली देते हो। अब पहले साले शर्म करो, बोल के क्या अपना दिखाना चाहते हो कि मेरी माँ कैसी है या मेरी बहन कैसी है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक लड़की को आपने शर्मसार कर दिया। अबे चूतियो, वो वही लड़की है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के बिहार में आई थी कि बिहार में अपना नाम करूंगी क्योंकि मैं बिहार की लड़की हूँ। मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों का, थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा मेरा क्या, मैं तो जाती मैं वहीं चली जाऊंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, क्या दे देंगे आप लोग ये सब करके। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि अगर खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर के साथ कोई अगर हीरोइन नहीं सोती है तो उसको हीरोइन में काम ही नहीं मिलेगा या फिर उसका आगे फ्यूचर ही नहीं है। क्या खेसारी लाल यादव को ये नहीं दिखा होगा कि कल्याणी सिंह मेरे साथ गाना में एक मुख्य किरदार निभाई है और उसका नाम क्यों नहीं है। नहीं कर सकती, क्यों, सारी लड़कियां करती हैं कॉम्प्रोमाइज, मेरे घर वाले देखने आते, मैं कर लेती, मैं इतने एटीट्यूड में, इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कहती हूँ कि मैं नहीं करती ना मैं करना चाहती हूँ। ना कोई ऐसा माइकल लाल है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है, काम देना है दो, नहीं देना है तो मत जाओ, मत दो। ये सरासर गलती खेसारी लाल यादव की है कि उनके टीम मेंबर के खिलाफ लगातार कंप्लेन आ रहे हैं, फिर भी खेसारी लाल यादव उन चमचों के साथ जुड़े हुए हैं जो उनके नाम को खराब कर देते हैं हर तरीके से। इंडस्ट्री में खराब कर रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे खराब कर रहे हैं। अबे एक्शन ले लो, कब तक अनदेखा करोगे यार, अति का अंत बहुत जल्दी होता है, तो अति मत कीजिए आप लोग। तो कौन टीम का मेंबर है जो मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है, किसने नहीं किया और क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने धन जायदाद मांग दिया था। दोस्तों, मेरी राय में कल्याणी सिंह ने बिल्कुल सही काम किया उन चमचों को एक्सपोज करके जो खेसारी लाल यादव के नाम पे किसी हीरोइन के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई नई लड़की अगर उभर के आना चाहे तो उसके साथ हो रहे अन्याय पे आपने आवाज़ उठाया, जो कि वाकई काबिले तारीफ़ है और हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के जाती हैं तो इन चमचों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, लाइव वीडियो में आके एकदम एक्सपोज कीजिएगा कि किसने आपके साथ क्या कहा था, और इन लोगों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान अगर विरोध करना शुरू करता है तब जाके लोगों के सामने सच पता चलता है। और वैसा आप कर सकती हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग से हमें लगा, आपके संस्कार से हमें ऐसा लगा कि आप किसी भी अन्याय को नहीं झेल सकती और किसी के साथ अन्याय होने भी नहीं दे सकती। दोस्तों, हमारे लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से प्यार करने वाले हर दर्शकों के लिए यह बहुत शर्म की बात होगी कि आपको किस वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की बात कह रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, आज तक किसी भी भोजपुरी हीरोइन के फैन नहीं थे, लेकिन आपके इस जज्बे की वजह से हमारे दिल में आपके लिए एक अलग जगह बन गई। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑलवेज सपोर्ट यू, किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर सामने आके करना हो मदद, या फिर किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए, हमसे जहां तक हो पाएगा मैं कल्याणी सिंह के लिए जरूर करूंगा, बस उनके जज्बे की वजह से और सही को सही और गलत को गलत कहने के जज्बे की वजह से। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ये डार्क साइड, काला सच आपको जरूर दिखा होगा कि कितने अंधेरी वाली जगह है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।